शुभ जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। देश विदेश जहां भी सबक हैं, सब मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। लख लख बधाइयां सबको, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमेश्वर की कृपा होती है तो मानव योनि मिलती है, और अधिक कृपा होती है तो सत्संग की ओर रुचि होती है, और कृपा होती है तो गुरु महाराज मिलते हैं, गुरु मंत्र मिलता है, और कृपा होती है तो ऐसे साधन सत्संगों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितने भाग्यवान हैं हम सब, कोई सीमा नहीं। ऐसे सुगुण संतों का मिलना यदि हम इनके अनुसार चले तो हमारा कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। पर लोग इतना सुरक्षित है, कोई चिंता ही नहीं, बहुत सुरक्षित है। प्रलोक राम जाम जपने वालों का, और ऐसे गुरुओं द्वारा राम राम मिलने पर, इनका संरक्षण प्राप्त होने पर हमारा सब कुछ ही सुरक्षित है, चिंता का कोई विषय नहीं, भय नहीं। हाँ, लोग तो सदक्षिण पुरानी परम काटने के लिए मिला हुआ है, इसलिए साधना की आवश्यकता है, बल प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि कर्म भोग सहर्ष भोग सके। ये सब कुछ इसीलिए करना पड़ता है, अन्यथा राम राम जपा मौज ही मौज, इस लोक में भी मौज और परलोक में भी मौज, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। देवी सज्जनों, इन गुरुजनों से मांगना हमारा स्वभाव हो गया हुआ है, जैसे इनका देना स्वभाव हमारा मांगना स्वभाव। तो आज श्री प्रेम जी महाराज से मांगो, महाराज अपने जैसा शिष्य बनाओ हमें, अपनी जैसी सहनशीलता, विनम्रता, निर्भिमानता, सबको सम्मान देने का गुण महाराज हमें दीजिएगा। आपके गुणों की गणना तो की नहीं जा सकती, मैं तो सदा आपसे यही मांगता रहा हूं, महाराज जितने गुण आप में हैं एक गुण भी मेरे में आ जाए तो मेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा। आप तो सद्गुणों से संपन्न हैं, सेवा प्रेम यदि ये कहा जाए तो श्री प्रेम जी महाराज ने अपना नाम सार्थक कर लिया, उनका नाम श्री प्रेमनाथ सेठी,
संतों की कोई जाति नहीं हुआ करती, लेकिन पॉपुलरली ऐसे कहा जाता सो मैंने आपसे कहा। प्रेम मूर्ति प्रेम जी महाराज, यदि ये कहा जाए तो ये बिल्कुल किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं, एग्जैजरेशन नहीं, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने अपने नाम को सार्थक बना के दिखाया, अनगिनत लोगों का कल्याण कर गए, अभी भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपना काम सेवा का छोड़ा नहीं है, कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ही हैं सबसे करवाने वाले, या स्वयं भी कर रहे हैं, और जो अपने हैं उनसे भी करवा रहे हैं। अपने पर ही अधिकार होता है, सो अपनों से भी उसी मात्रा में करवा रहे हैं। तो प्रेम जी महाराज जितना अपना उनका कौन होगा, दोनों लगे हुए हैं। एक नौका में साक्षी में राजा का परिवार बैठा था, एक साधु भी बाहर खड़े थे। राजा को तरस आ गया, कोई मेरी तरह गरीब होगा। कहा, बाबा पार जाओगे? हाँ, पर नाव तो धर के आपके परिवार से, आप जितनी बड़ी ना उतना छोटा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। परमेश्वर की ऐसी करनी, मध्य में पहुंचे तो किश्ती डगमगाने लगी। राजा को लगा डूबने के आसार हैं, मरने के आसार हैं। राजा ने नावक को दुहाई दी, नावक किसी भी ढंग से संत को बचाओ। परमेश्वर की कृपा हुई, नाव दूसरे पार पहुंच गई। सब बहुत चकित, आपने अपने परिवार को बचाने के लिए क्यों नहीं कहा, इस संत को बचाने के लिए क्यों कहा है राजा साहब? राजा साहब कहते हैं, मेरे जैसे राजा तो अनेक अनेक राजा मिलके भी एक संत नहीं पैदा कर सकते। ये एक संत अनेकों को संत बना सकता है, अनेकों का कल्याण कर सकता है। मेरे जैसे अनंत राजा भी मिलके किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, ये एक संत कितनों का कल्याण कर सकता है। इन्हें ही बचाने की आवश्यकता, ये बचे तो हम भी साथ ही साथ बच गए। ऐसे ही संत साधुजनों हमारे गुरुजन, कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हुए कर रहे हैं, क्या है। तो फिर सबको बधाई देता हूं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई।